दिनांक 9 मई 2020 को आध्यात्मिक गुरु सुरेंद्र सिंघल ने लोगों को बताया कि आप सभी लोग सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी सभी का सम्मान करें और आप सब लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि देश में आई कोरोना वैश्विक महामारी देश से खत्म हो जाए और सभी मिलकर के गरीब परिवार लो हम भी मिलकर सभी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं जो अपने परिवार को छोड़कर अपनी कोरोना महामारी जैसी बीमारी में लड़ रहे हैं। हमें संतों का भी सम्मान करना चाहिए और सभी को मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है। देश में ये जो महामारी फैल रही है कोरोना की, इसको बढ़ते हुए कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसके लिए मैं आध्यात्मिक गुरु सुरेंद्र सिंघल के आह्वान करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भी आगे इस लड़ाई में आगे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जितने भर अनुयायी और व्यक्ति हैं जो संपर्क में हैं, जो शिष्य जैसे कहते हैं कि वो हैं, उनको मैं ये सबको ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो आगे आए। पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों और ये सफाई कर्मी जितने भर हैं उनको स्वागत और स्वागत करते हुए उनका हौसला बढ़ाएं। इसके साथ साथ जितना भी बन सके, जितना भी श्रद्धा भाव हो प्रधानमंत्री सहायता कोष और या मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी अपना योगदान प्रदान करें। उस स्थिति को देखते हुए ये जो आज की स्थिति है इसमें हर आदमी विचलित हो चुका है, हर आदमी परेशान हो चुका है, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति हो चाहे वो कर्फ्यू की स्थिति हो। इसको जल्दी से जल्दी निपटने के लिए मैं ये सभी देश में ये सभी देश के जितने भर साधु संत या आध्यात्मिक गुरु या जो भी हैं अध्यात्म से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वो कृपया करके नहीं, मैं ये उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे बढ़कर इन लोगों का हौसला बढ़ाने में मदद करें। और वैसे भी भारत देश तो एक संतों का देश है, भारत में ही संतों की प्रगति हुई है, भारत में ही संतों का आशीर्वाद मिला है, जिससे इस भारत में तो कभी ऐसी आपत्ति आ भी जाती है तो वो निपटने में आसानी रहती है, इसमें कभी कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन इसको देखते हुए हमें इतना हौसला बढ़ाने की जरूरत है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। जितने भर लोग हैं चाहे आम आदमी है या प्रशासन है या कोई भी विभाग का कोई भी वो है, सबको साथ लेकर सबका हौसला बढ़ाना है। बढ़ाते हुए चलते हुए मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, आशीर्वाद दें जितने भर साधु संत आध्यात्मिक गुरु या जिस प्रकार के आध्यात्मिक से संबंधित हैं वो सबको अपना ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें देश के अंदर कि उनका कोरोना तुरंत कोरोना यहाँ से भागे और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। संतों का आशीर्वाद ही ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है क्योंकि ये महामारी रोजाना ही फैलती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, जैसी स्थिति हो, जैसे भी श्रद्धा भाव, जैसे भी आशीर्वाद हो और जैसे भी हो, सब आप लोग आगे इन सबके साथ चलकर और अपना योगदान प्रदान करें।